ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया गया द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के लिए शुरू किया गया था। मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है और इसे तीन तरफ अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया था, लेकिन परियोजनाओं के अन्य चरणों में काम 10 वर्षों तक जारी रहा। माना जाता है ताजमहल कॉम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए होने के अनुमानित लागत पर पूरी तरह से पूरा हो चुका है, जो 2015 से लगभग 52.8 बिलियन रुपए यूएस 827 डॉलर मिलियन होगा। निर्माण परियोजनाओं ने सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी के लिए अदालत के वास्तुकार के नेतृत्व में आर्किटेक्ट्स के बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगरों को रोजगार दिया। आज महल को 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत का सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक, इसे कई लोगों ने मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना है। ताजमहल सालाना 7-8 मिलियन आंग तुर्कों को आकर्षित करता है। 2007 में इसे विश्व के नए 7 आश्चर्य 2007 पहला का विजेता घोषित किया गया था।